ओपनली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डायरेक्ट विदाउट रिजर्व और सीक्रेटिवनेस फ्रेंक आउट स्पोकन ओपन एंड सिंसेयर विदाउट पार्शालिटी यानी कि ओपनली स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना जो भी है विदाउट रिजर्व और सीक्रेटिवनेस यानि कुछ भी सीक्रेट नहीं रखना फ्रेंक आउट स्पोकन सेंग वट यू थिंक ओपनली एंड ऑनेस्टली नॉट हाइडिंग योर थाट्स सो so, कैंडिड का मीनिंग होता है कि आप जो भी सोचते हैं उसको ओपनली क्लियरली और ऑनेस्टली सच्चाई से ईमानदारी के साथ उसको कह देना नॉट हाइडिंग योर थाट्स अपने थाट्स को हाइड नहीं करना छुपाना नहीं है जो एकदम स्पष्टवादी होते हैं जो खरा बोलते हैं स्पष्ट होते हैं उसे कहते हैं इंग्लिश में कैंडिड नाउ सिरेम्स ऑफ कैंडिड आर फ्रैंक ऑनेस्ट ओपन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड

यानी कि उन्होंने अपना स्पष्ट ओपिनियन दिया इस मैटर पर थर्ड द टू प्रेसिडेंट्स हैव हैड कैंडिड टॉक्स अबाउट द करंट क्राइसिस यानी कि करंट वर्तमान संकट के बारे में टू प्रेसिडेंट्स ने एकदम खुलकर बातचीत की कैंडिड टॉक किया सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज़ वीडियो आई होप कि आपको आज का इंग्लिश ओकेबलरी वर्ड ऑफ द डे कैंडिड अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका मीनिंग होता है स्पष्टवादी जो स्पष्ट क्लियरली जो भी होता है उसे बोलते हैं सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक ओपनली स्ट्रेट फॉरवर्ड सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक टू लर्न न्यू इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स एवरी डे That's all for today's video. Thank you so much for watching.